दोस्तों एलान एकेडमी में आपका दोस्त रितेश धीर आपका स्वागत करता है। क्लास टेंथ की ज्योग्राफी के फिफ्थ चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के लास्ट वीडियो को अब हम कवर करेंगे। कोई 100 से ऊपर वीडियोस में मैं आपको सोशल स्टडीज की इम्पोर्टेंस बता चुका हूँ कि कैसे रट्टे पेल पेल कर आप कोर्स निगल कर एग्जाम में उल्टी करके आते हैं, उसके बाद रात गई बात गई और आप पूरा कोर्स 6 महीने में भूल जाते हैं, आपका पूरा बेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब आप कंपटीशन के एग्जाम देते हैं जैसे NDA, CDS, IAS, तब आपके तोते उड़ जाते हैं। बस इसलिए कोशिश है कि कहानी सी बनाकर आम बोलचाल की भाषा में सोशल स्टडीज को आपको पढ़ा दूं ताकि आपको लंबे समय तक याद रह जाए और आपको रट्टे घोटने ना पड़े। इस कोर्स के आखिरी वीडियो में हम कवर करेंगे कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कौन से हैं और एनर्जी को बचाना क्यों जरूरी हो जाता है। दोस्तों आजादी के बाद से और खासकर 1991 के बाद से देश में बहुत विकास हुआ। बैलगाड़ियों की जगह ट्रैक्टर और जीपों ने ले ली, गांव-गांव बिजली पहुंचने लगी और एनर्जी की कंजम्पशन भी बढ़ने लगी और हमारा देश यानी हम पूरी तरह से फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, तेल और गैस पर डिपेंडेंट हो गए। एक तरफ तो ओपेक OPEC देश तेल के भाव कंट्रोल कर के रखते हैं और कंटिन्यूसली बढ़ा भी रहे हैं, और दूसरे देश में हमारे देश में हमारे पास लिमिटेड ऑयल है। दूसरा, ये ऑयल की आवक इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी डिपेंड करती है, इसलिए शॉर्टेज की संभावना और फ्यूचर में तेल कम पड़ने का डर बना रहता है। इसका देश की पूरी इकोनॉमी पर एक बुरा असर पड़ सकता है। हमारा देश तेल से ही तो चलता है, आपके मोहल्ले कॉलोनी सोसाइटी तक दूध वैन से आता है, अपने शहर में दाल चावल राशन सब्जी सब ट्रकों से आती है, पूरे देश का व्यापार ट्रकों से होता है, शहर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह माल पिकअप लेकर जाते हैं, ट्रेन कितने ही शहरों को आज भी डीजल इंजन से जोड़ती है, काम धंधे नौकरियों के लिए पेट्रोल चाहिए, शिप एयरक्राफ्ट भी तो तेल से ही चलेंगे, और तो और वॉर के लिए भी तेल चाहिए। और जैसा आप जानते ही हैं कि फॉसिल फ्यूल्स एनवायरमेंट को भी तगड़ा पॉल्यूट करते हैं। तो दोस्तों रिन्यूएबल सोर्सेज ये जो यूज करते आ रहे हैं उनसे हटकर नए एनर्जी सोर्स ढूंढने होंगे, जैसे सोलर एनर्जी, हवा से समंदर की टाइड से और बायोमास या कचरे से मिलने वाली एनर्जी। हमारे देश में लगभग हर जगह खूब सूरज की रोशनी मिलती है, पूरा साल पानी भी है, हवा भी है और कई जगह अच्छी अच्छी चलती है हवा, और देश में बायोमास की भी कोई कमी नहीं है। और देश में इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए और उनके यूज के लिए जागरूकता फैलाने के लिए काफी बड़ा प्रोग्राम भी चल रहा है। दोस्तों भारत एक ट्रॉपिकल देश है, यहां सोलर एनर्जी को टैप करने की बहुत पॉसिबिलिटी है। देश प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी में लीड कर रहा है। वर्ल्ड सोलर फोरम की शुरुआत भी हमने की। फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी सूरज की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट कर देता है। सोलर एनर्जी पर सरकार काफ़ी सब्सिडी भी देती है और ये गांव देहात में जैसे लाहौल स्पीति, लेह, लक्षद्वीप, अंडमान जैसे रिमोट इलाकों में भी काफ़ी यूज हो रही है। देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट माधापुर में है जो गुजरात में भुज के पास है। वैसे दोस्तों मैंने पंजाब के संगरूर में अभी हाल ही में देखा था, किसानों ने अपने खेतों पर ये बड़े बड़े सोलर प्लांट लगाए हुए हैं और बिजली पैदा कर सरकार को बेचते हैं। गांव देहात में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से जंगल की बालन लकड़ी और गोबर के कंडे उपलों पर डिपेंडेंस कम होती जाएगी, इससे प्रदूषण कम होगा और गोबर से खेती में एक अच्छी नेचुरल खाद मिल पाएगी। अब दूसरे टाइप का रिन्यूएबल एनर्जी और उसके सोर्स को समझते हैं, जो कि है विंड एनर्जी। हवा की काइनेटिक एनर्जी से विंड मिल चलती है जो कि टर्बाइन को चलाकर बिजली देता है। देश की एक लंबी कोस्ट लाइन है जहां दिन में 2 बार तेज हवा यानी ब्रीज चलती है, तो ज्यादातर विंड फार्म के क्लस्टर
समंदर के किनारे वाले इलाकों में है, जैसे देश का सबसे बड़ा क्लस्टर तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई कन्याकुमारी तक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप और जैसलमेर में भी तगड़े विंड फार्म क्लस्टर हैं। दोस्तों, बायोमास से पैदा होने वाली बायोगैस हमारा तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जो कि देहाती इलाके में काफी काम आता है। ये गैस कई तरह के बायोमास जैसे झाड़ियां, खेती की वेस्ट जैसे पराली, जानवर का गोबर, इंसानी वेस्ट, इनको सड़ाकर डीकम्पोज करके पैदा होती है। इस गैस का मेन कंपोनेंट मीथेन होता है, मीथेन गैस होती है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू मिट्टी के तेल, किरोसिन, गोबर के उपलर कोयलों से कहीं ज़्यादा होती है। साफ सुथरा फ्यूल है, कोई पोल्यूशन नहीं करता, कोई राख नहीं छोड़ता, कोई धुआं नहीं आता। इनके बारे में आप डिटेल में अपनी साइंस में डेफिनेटली पढ़ चुके हैं, होपफुली। इनको म्युनिसिपल लेवल यानी पंचायत लेवल पर, कोऑपरेटिव लेवल पर यानी दो से ज़्यादा लोग मिलकर, या अकेले अपने लिए भी लगाया जा सकता है। जिन ऐसे प्लांट्स में गाय भैंस का गोबर डाला जाता है उन्हें गोबर गैस प्लांट कहा जाता है। इससे दोस्तों किसानों को डबल फायदा है, एक उन्हें साफ सुथरी एनर्जी मिलती है जो उनके घर में काम आती है, और दूसरा उन्हें काफ़ी उच्च क्वालिटी की खाद भी मिलती है। ढोर डंगर के गोबर का सबसे अच्छा यूज़ गोबर गैस के रूप में ही है, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी की खाद मिलेगी, साथ में जंगल की लकड़ी भी बचेगी और खाद के लिए गोबर भी बचेगा। अब दोस्तों समंदर में आने वाली टाइड से बनाई जाने वाली टाइडल एनर्जी की बात करते हैं। दोस्तों दिन में मून की ग्रेविटेशनल पुल से दो बार समंदर का पानी बढ़ता है और दो बार उतर जाता है, कम हो जाता है। इसके नेविगेशन में बहुत यूज है, खासकर बड़े शिप तभी हार्बर में घुस पाते हैं, हार्बर में जा पाते हैं जब हाई टाइड हो। समंदर के किनारे फ्लड गेट डैम बनाए जाते हैं जिनमें उठे हुए टाइड का पानी आता है। पानी आने के टाइम में टरबाइन को मूव करते हैं, बिजली पैदा होती है, फिर गेट बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद जब टाइड उतर जाता है, लेवल कम हो जाता है, तो गेट खोल दिए जाते हैं और पानी वापस समंदर में गिरने लगता है। इस टाइम भी टरबाइन मूव करते हैं और बिजली पैदा करते हैं। दोस्तों इसके लिए हाई टाइड और लो टाइड की हाइट लेवल में काफ़ी फर्क होना चाहिए, और दोस्तों गुजरात की गल्फ ऑफ कच्छ में बिल्कुल आइडियल कंडीशन है। एक बार 2003 में वाडिनार सलाया में मैं बोट पर पेट्रोलिंग कर रहा था और हम काफ़ी समंदर में दूर निकल गए। वापस आते आते लो टाइड शुरू हो गया और इतना नीचे चला गया कि हम जेट्टी से 4-5 नॉटिकल माइल दूर थे, हमारी बोट ग्राउंडेड हो गई, यानी पूरी तरह से समंदर के तल पर टिक गई। हम 6-7 घंटे तक वहीं टेढ़ी बोट में बैठे रहे जब तक पानी वापस से भरने नहीं लगा। नीचे भयंकर कीचड़ और दलदल था, पैदल जाने का सवाल ही नहीं होता था। तो गुजरात एक ऐसी जगह है जहां टाइडल एनर्जी हार्नेस की जा सकती है। वहां नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने 900 मेगावाट का टाइडल एनर्जी का प्लांट भी लगाया है। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में समझते हैं। यह वो एनर्जी है जो हमें धरती के अंदर की गर्मी से मिलती है। हमें मालूम है कि धरती के अंदर काफी टेम्परेचर है और जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है तापमान भी बढ़ता जाता है। कहीं कहीं शैलो यानी कम गहराई पर भी काफी तापमान मिल जाता है। ऐसे इलाकों में धरती के नीचे का ग्राउंड वाटर अपने नीचे की चट्टानों की गर्मी को लेकर गर्म हो जाता है और भाप बनकर धरती की सरफेस पर आने लगता है। यही स्टीम टर्बाइन्स को चलाकर बिजली पैदा करती है। भारत में ऐसे कितने ही गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए हो सकता है। धरती की जियोथर्मल एनर्जी को निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट के रूप में दो प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, एक हिमाचल के मणिकरण के पास पार्वती वैली में और दूसरा लद्दाख की पुगा वैली में। दोस्तों जैसा कि आपको पहले ही बताया था, देश की इकोनॉमी और उसकी डेवलपमेंट के लिए सबसे बेसिक चीज है एनर्जी। देश की इकोनॉमी के हर सेक्टर को एनर्जी की इनपुट चाहिए, चाहे वो खेती हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, कॉमर्स हो या घरेलू सेक्टर ही हो। आजादी के बाद जितने भी विकास के लिए प्लान बनाए गए,
सबको ऑपरेशनल होने के लिए काफी एनर्जी की बढ़ती हुई जरूरत रही। तो इस तरह दोस्तों एनर्जी की खपत बढ़ती ही जा रही है। ये ध्यान में रखते हुए हमें एक एनर्जी डेवलपमेंट का एक सस्टेनेबल रास्ता बनाना पड़ेगा। सस्टेनेबल यानी जो चलता रहे। इसके लिए एनर्जी को बचाने के प्रमोट करना होगा। आप लोगों ने वो PCRA वाली एड्स तो देखी ही होंगी, जिसके अंदर रेड लाइट पर एक बच्चा कहता है मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। ये स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को भी बढ़ाना होगा। आज की तारीख में भारत दुनिया के सबसे कम एनर्जी एफिशिएंट देशों में है। वैसे ही हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जो भी हैं जितने भी हैं उन्हें हमें बड़े ही ध्यान से दिमाग से इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाहे हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो का बसों का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे जरूरत ना होने पर बिजली पंखे बंद कर, चाहे AC के साथ कंबल ना लेकर, चाहे लाल बत्तियों पर गाड़ी बंद कर, लाल बत्तियां मतलब ट्रैफिक लाइट्स, चाहे अपने व्हीकल्स को मेंटेन कर, हवा पानी चेक कर, चाहे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर, चाहे नॉन कन्वेंशनल तरीके इस्तेमाल कर, कैसे भी फ्यूल और एनर्जी बचाना चाहिए। आप कह सकते हैं तेरे बाप के तो पैसे नहीं लग रहे ना, बिल तो मैं देता हूं, मैं जो भी करूं। सही है दोस्तों, पर आप देखें उन पैसों को आपने वेस्ट किया ना, और देश के रिसोर्स भी वेस्ट किए, क्योंकि एनर्जी की बचत ही एनर्जी की पैदावार है। दोस्तों उम्मीद है आपको एक कोर्स पसंद आया होगा। आप अपने इस चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि तभी तो मैं और अच्छा कर पाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में।